नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का जो हाल है वो चिंता बढ़ाने वाला है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि कहीं ना कहीं इस प्रदूषण के लिए हम भी जिम्मेदार हैं। दिवाली पर बैन होने वाले पटाखे बावजूद बैन होने के फोड़े गए, मगर इस जिद की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोग कितने बड़े खतरे की जद में आ गए हैं, एक रिपोर्ट देखिए। ये जहरीली धुंध, ये जानलेवा कोहरा नुमा चादर, ये जानलेवा बहुत जानलेवा है। सोचिए कि कितने ज्यादा हजार्डस कैटेगरी में इस वक्त आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, जलन सी हो रही है। प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ा है जी, बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। जो बीमार है उनके लिए तो बहुत खराब है, जो नहीं है वो और बीमार हो जाएंगे। हर महीने में हम करते रहते हैं टूर इंडिया गेट का, लेकिन इंडिया गेट यहाँ से हमें प्रॉपर दिखता था, बट आज के टाइम पे इंडिया गेट का नामो निशान तक नहीं दिख रहा है। आज पटाखे जलाने की ये जानलेवा सिद्ध कल बहुत भारी पड़ने वाली है। मैं यही कहूंगा कि पोल्यूशन से नॉर्मल लोगों में भी असर पड़ता है जब इतना हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट हो, और जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनको तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। जब पोल्यूशन ज्यादा हो तो वायरस भी हवा में कुछ टाइम ज्यादा रह सकता है और ज्यादा वो इन्फेक्शन कर सकता है। जो बीमार है उन्हें भी और जो स्वस्थ हैं उन्हें भी। We're going to see outbreaks of viral infection happening. We're definitely going to have a lot more patients coming in, and that is clear. We're certainly going to have a lot more patients with chest infection and elderly is coming into the hospital, and unfortunately some of them may not survive from the heart attacks, from the heart conditions, from deterioration, and unfortunately heart failures and lung failures. तो हर बार दिवाली के अगले ही दिन प्रदूषण की चपेट में आ जाता है दिल्ली एनसीआर, और उसके बाद किस तरह के हालात होते हैं ये आप देख रहे हैं लगातार, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी और खतरनाक हो चली है। इसी को लेकर कई सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर प्रदूषण के बढ़ते खतरे के बीच कौन कौन से वो सवाल हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिनके जवाब हम देश के बड़े डॉक्टर्स से जानेंगे। हमारे साथ वो पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन सवाल ये कि प्रदूषण स्वस्थ आदमी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये धुंध की चादर कितनी खतरनाक हो सकती है आपके लिए। सवाल ये भी हम करेंगे, जानेंगे इसका जवाब कि हवा खराब है बाहर इस मौसम में, इस प्रदूषण के बीच आप टहलने जाएं या फिर ना जाएं, ऐसा ना हो कि आपके लिए और खतरनाक हो जाए। इसके साथ ही सवाल ये भी कि क्या खुले में कसरत करना यानी वर्कआउट आप कर सकते हैं या फिर नहीं, इस जहरीली हवा के बीच आपका एक्सरसाइज करना कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए और नुकसानदायक हो जाए। सवाल ये भी कि घर से बाहर निकल रहे हैं अगर आप तो क्या ध्यान रखना जरूरी है, इन बातों पर भी हम बात करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। डॉक्टर राजू व्यास फोर्टिस हॉस्पिटल से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर, और मैं शुरुआत कर लेती हूँ डॉक्टर नीरज आपसे, क्योंकि इस तरह की स्थिति हम लगभग हर साल देखते हैं, लेकिन दिवाली के अगले दिन जिस तरह की चादर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हमने धुंध की देखी है, और ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ है, इन दोनों ही लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण और कितना खतरनाक आप समझ रहे हैं इसे? नहीं बिल्कुल, ये कोविड पैंडेमिक के समय में कोई भी पॉल्यूशन, बेसिकली हम जानते हैं कि कोविड 19 मोस्ट ऑफ द टाइम एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन पॉल्यूशन के चलते लोग अगर खांसना और छींकना शुरू करें तो स्प्रेड होने के चांसेस इन्फेक्शन के बढ़ते जाते हैं जी। तो इसलिए प्लस जो अगर आपके आंख में इरिटेशन हो रहा है, नाक में स्नीजिंग की टेंडेंसी होगी, तो आप ये आंख और नाक टच करने की भी टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो अगर आपके आसपास ये इन्फेक्शन किसी सर्फेस पे उसको आपने टच किया है तो ये इन्फेक्शन बढ़ने की भी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। उसके अलावा डेफिनेटली ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको बहुत सीवियर कोविड हुआ था, जिनके फेफड़े पे काफी ज्यादा असर हुआ था, ऐसे लोग अगेन इस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के चलते उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर इस पैंडेमिक के समय में एयर पॉल्यूशन का बढ़ना डेफिनेटली सभी के लिए चिंताजनक बात है। ठीक है डॉक्टर नीरज आप रहिएगा। अब डॉक्टर राजू व्यास मैं आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहती हूँ, क्योंकि हम अमूमन आप लोगों की तरफ से ये सजेस्ट किया जाता है, सजेशन दिया जाता है कि आप खाना खाएं तो उसके बाद ज़रूर टहलें, या दिन में कोई ऐसा टाइम ज़रूर निकालें सुबह या शाम में से कि आप बाहर टहलने जाएं, लेकिन क्या इस जहरीली हवा में भी बाहर निकलना सही रहेगा लोगों के लिए? जी नहीं, इस प्रकार जब फॉग और स्मॉग और इस तरह की सिचुएशन जब हमारे दिल्ली में इस समय में है,
तो स्पेशली मैं उन लोगों को बिल्कुल बाहर जाने से मना करूंगा, ये टाइम में ना जाए वो लोग जिनको किसी न किसी प्रकार की छोटी मोटी बीमारी रही है, जैसे कि एल्डरली पीपल जिनको कि बेस लाइन को इनको बीमारी है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम या लंग की इन्फेक्शन, जैसा कि डॉक्टर निश्चल ने भी बताया कि जिन लोगों को पहले कोविड इन्फेक्शन हुआ है उन लोगों को अभी इन दिनों में एक्सरसाइज करने के लिए या टहलने के लिए बिल्कुल अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर किसी कारण से उनको जाना भी पड़े तो स्पेशली हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक मास्क पहन के जरूर जाना है। मास्क ही इन चीजों से बचा पाएगा, नॉट ओनली वायरल इन्फेक्शन से बट स्मोग और ये जो अभी हवा प्रदूषित है हमारी इस समय दिल्ली में, उससे भी हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। इसलिए लोगों को अभी बाहर जाके टहलने की एक्सरसाइज करने की सलाह एज एन मेडिकल प्रोफेशनल हम लोग एडवाइज नहीं देंगे, यानी ये सेहत के साथ और खिलवाड़ हो सकता है। डॉक्टर नीरज, ऐसे में क्योंकि देखिए बाहर तो निकलना ही है, हम और आप घर पर नहीं बैठे रह सकते, किसी ना किसी काम से घर से बाहर निकलना ही होगा, क्या खास ख्याल रखना होगा इस दौरान? देखिए जो भी आप घर से बाहर निकले तो वैसे भी हम कोविड के समय में हम बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि बिना मास्क पहने आप बाहर ना जाएं। तो ये एयर पोल्यूशन एक अनदर फैक्टर है जो आपको एक तरह से फोर्स कर रहा है कि बाहर जब भी निकले आप मास्क पहने, जहां भी पॉसिबल अगर आप पहन सकते हैं तो N95 मास्क पहन सकते हैं, बिकॉज उसके थ्रू ये प्रोटेक्शन एयर पॉल्यूशन का भी काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने के चांसेज है, जिसमें आपके शरीर का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ने के चांसेज है, वो आउटडोर में ना करें। अगर आपको कोई एक्सरसाइज वगैरह करना भी है तो आप इंडोर कोशिश करें, और जैसे डॉक्टर व्यास ने जस्ट अभी बताया कि किसी को भी अगर फेफड़े की परेशानी है, कोई एल्डरली है, वो डेफिनेटली अभी जो है जो आउटडोर एक्टिविटीज अपना रिस्ट्रिक्ट करें, और बाई चांस अगर कोई करना भी चाहे तो ये इंश्योर करे कि जो भी पार्क या कोई भी ऐसा जगह है जहाँ पे वो करने का प्लान कर रहे हैं वो एटलीस्ट जो ज्यादा पॉल्यूटेड एरियाज है, जैसे रोड साइड अगर पार्क है तो वो सेफ नहीं है, तो इस तरह का ध्यान रखते हुए ही अपने आप को हम इस समय सुरक्षित रख सकते हैं। जी ठीक है, तो आप बहुत जरूरी बातों का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, दोनों ही डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स हैं, ये बता रहे हैं कि आखिर कैसे ये प्रदूषण हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है, जिन लोगों को कोई बीमारी है या फिर जो स्वस्थ भी हैं उनके लिए भी उतना ही खतरनाक है। और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब हम डॉक्टर नीरज और साथ ही डॉक्टर राजू व्यास। तो दिल्ली NCR की हवा खराब हो चली है, प्रदूषण का स्तर अपने आप में बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गया है, कई जगहों पर लोगों के लिए सांस लेना तक दूभर हो रहा है, और इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि आपको क्या ख्याल रखना है और किस तरीके से आपको इन तमाम चीजों को गंभीरता से लेना और समझना भी होगा। एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज निश्चल और डॉक्टर राजू व्यास, आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राजू व्यास, अब उन लोगों का जिक्र कर लेते हैं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, और खासतौर से अगर जिसे पहले से ही सांस की तकलीफ है, अस्थमा जैसी बीमारी से वो गुजर रहे हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? ज्यादातर वो लोग जिन लोगों को पहले किसी न किसी प्रकार की लंग की या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो इन दिनों में ज्यादा अपने आप को बाहर की हवा से एक्सपोज ना करें। कहने का तात्पर्य बड़ा सिंपल है कि वो बाहर टहलने ना जाएं, जो भी एक्सरसाइजेज या हल्की हल्की एक्सरसाइजेज उन्हें करनी है वो अपने घर में ही करें। मैं ये भी सजेस्ट करूंगा इवन घर में भी अगर वो रहते हैं तो घर में भी वो मास्क पहन के रहें, ताकि अगर इवन हमारे घर के अंदर भी जो गंदी हवा आती है उससे वो अपने लंग्स को बचा पाए। जो घर में और भी व्यक्ति रहते हैं जिनको भी छोटी मोटी किसी न किसी प्रकार की वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि किसी न किसी को खांसी जुकाम या बुखार है, उससे वो अपने आप को दूर रखें। तो ये छोटे छोटे एहतियातन हैं, इसी के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे मेडिकल कुछ तरकीब्स भी हैं, जैसे कि आप स्टीम लेते रहें रेगुलरली, अगर कोई नेबुलाइजर पे है तो वो नेबुलाइजेशन अपना रेगुलर कंटिन्यू करे, ताकि क्या है कि उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो चोक ना हो। अगर किसी ने किसी प्रकार से सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है तो उसके लिए वो तुरंत अपने किसी न किसी फिजिशियन से मिलें तथा अपनी इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉर्ट आउट कराएं, क्योंकि जितना जल्दी हम इन प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे उतना ही जल्दी हम इनको फायदा पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जितना जल्दी हम इसे पहचानेंगे, इसके बारे में समझेंगे, तभी हम इस बात का ख्याल भी रख पाएंगे। और इसको लेकर देखिए बच्चों और बुजुर्गों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक ये क्यों हो जाता है, कैसे इसे लेकर ख्याल रखना होगा उन लोगों को, इस पर भी हम बात करेंगे। एक और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर अरविंद कुमार भी मेरे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। डॉक्टर नीरज, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो ब्रेक से पहले मेरा सवाल था कि बच्चे और बुजुर्गों को अपना ख्याल इस दौरान कैसे रखना चाहिए?
डॉक्टर नीरज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आप एक बार चेक कीजिए। सॉरी, तो मैं ये कह रहा था कि अब स्कूल्स वापस से खुल रहे हैं, बच्चे स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं और काफी जो छोटे बच्चे हैं वो अब जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स इंश्योर करें कि बच्चे जब भी जाएं तो मास्क पहन के जाएं। जैसा कि डॉक्टर व्यास ने क्लियरली बताया कि किसी भी को अगर पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी, स्पेशली लंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो एस्थमेटिक है, COPD है, ऐसे में अगर किसी को कोई भी परेशानी अगर आती है तो खुद से अपना इलाज या खुद से अपना डायग्नोसिस बनाकर इलाज न करें, डॉक्टरी सलाह जरूर लें, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन बहुत जल्दी खराब हो सकती है, जिसके चलते फिर वो जान तक की रिस्क आ सकती है। उसके अलावा जो बाहर खेलने की जो परमिशन है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देंगे, वो बहुत जरूरी है कि इंश्योर करें कि बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने का सिचुएशन बच्चे बाहर अभी नहीं करें, क्योंकि ऐसे में जैसे अभी हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो काफी खराब है जी, वो इनफैक्ट हम 150 तक फिर भी एक टॉलरेबल लेवल मानते हैं, उससे कई गुना ऊपर है। ऐसे सिचुएशन में कोई भी आउटडोर एक्टिविटी बच्चों से ना करवाएं तो बेहतर रहेगा। और उसके अलावा जो है ऑफकोर्स मास्क की हम बार बार बात करें, मास्क पहनना बहुत जरूरी है ऐसे सिचुएशन में, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है डॉक्टर, आप रहिएगा हमारे साथ। मुझे एक और छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है, लेकिन और भी कई सवाल हैं जो दर्शकों के लिए जानना और उन्हें। तो दिल्ली NCR की हवा एक बार फिर अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो AQI लेवल है वो अपने आप में ये बता रहा है कि कैसे सांस लेना आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है, और इसी को लेकर हम लगातार कई सवालों के साथ अपने एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे हैं। जाहिर है आपके मन में भी ये सवाल आ रहे होंगे कि आखिर आप इस दौरान अपना और अपनों का कैसे ख्याल रखें, और डॉक्टर राजू व्यास, डॉक्टर नीरज निश्चल दोनों ही हमारे साथ हमारे सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर नीरज, आपके पास अब आऊंगी, और सवाल मेरा प्रदूषण और साथ ही कोरोना दोनों से जुड़ा हुआ, आखिर ये दोनों स्थिति अगर इस बनती है इस दौरान, जो जाहिर तौर पर बनेगी क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि प्रदूषण और कोरोना का खतरा हम पहले से झेल रहे हैं, तो ये एक तरीके से डबल अटैक होगा लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल, जो अब कल डॉक्टर गुलेरिया ने भी ये बात कही है कि जैसे एविडेंस है कि इस पॉल्यूशन के सिचुएशन में जो पार्टिकुलेट मैटर है उसके चलते ये वायरस ज्यादा देर सर्वाइव कर सकता है, और कुछ एविडेंस है कि ये ज्यादा दूर तक स्प्रेड भी हो सकता है। और डेफिनेटली इस पॉल्यूशन के चलते जो पेशेंट नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं उनमें भी सिम्टम्स होने शुरू हो सकते हैं, जैसे अगर कोई स्नीज कर रहा है, कोई कॉफ कर रहा है, तो ये इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। उसके अलावा जो नॉन इन्फेक्टेड लोग हैं, अगर वो बार बार अगर उनकी टेंडेंसी होगी अपनी आंखों को टच करने की बिकॉज ऑफ इरिटेशन जो एयर पॉल्यूशन के चलते होता है, स्नीज करने के लिए नाक या मुंह टच करने की टेंडेंसी होगी, तो ऐसे में वो उनके इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। उसके अलावा अगर पॉल्यूशन के चलते अगर आपके फेफड़े कमजोर हैं, तो अगर इस बीमारी में अगर आपको जो COVID-19 होता है, ऐसे में बीमारी गंभीर होने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। साथ में अगर कोई को-इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी, क्योंकि एयर पॉल्यूशन आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो इम्यून रिस्पॉन्स है, चाहे वो सिलियरी मूवमेंट के थ्रू हो, जो लोकल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के थ्रू हो, इन सबको कमजोर करता है। तो कुल मिला के COVID-19 के समय में एयर पॉल्यूशन एक, मैं कहूंगा कि डबल एज्ड सॉर्ड हो सकता है, एक डबल वैमी हो सकता है, जिससे लोग ज्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं। ठीक है, यानी इसके लिए भी आपको खास ख्याल रखना होगा। और डॉक्टर राजू व्यास भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर राजू व्यास, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, ये बताते हैं कि प्रदूषण अगर बाहर है तो ऐसा नहीं कि घर में रहकर आप इससे बच सकते हैं, क्या खास ख्याल रखना होगा, और क्या घर में अगर हम हैं तब भी हम इस प्रदूषित हवा की चपेट में आ रहे हैं? जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि घर में भी अगर हम रहते हैं तो इन दिनों में हमें अपने मास्क का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली करना चाहिए, मास्क पहन के रहना चाहिए घर के अंदर भी, नंबर वन। नंबर टू, हाँ अगर पॉसिबल हो हम लोगों को एयर प्यूरिफायर का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारे एयर जो है घर की एयर वो भी साफ हो जाए। इन सब चीजों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, और इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। तीसरी बात ये भी मैंने जैसे कही थी कि बाहर आउटडोर एक्टिविटी स्पेशली उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जो थोड़े उम्र में बड़े हैं, और जो छोटे बच्चे हैं, जो मिड 30 साल से लेके 50 साल की उम्र के, जिनको रेगुलरली अपने किसी न किसी कार्य के लिए जाना पड़ता है बाहर, उन लोगों को स्पेशली अपना मास्क पहन के अगर वो रखते हैं तो हम इन तकलीफ वाले दिनों में हमें अपने आप को बचाव कर सकते हैं। एक बात और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि इन दिनों में इस प्रदूषण के कारण से नॉट ओनली के लंग्स से इन्फेक्टेड या लंग्स से जिन लोगों की प्रॉब्लम्स है, लंग्स जिनके खराब हैं या
लंग की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ही प्रॉब्लम नहीं होती है, स्पेशली उन लोगों को भी तकलीफ होने की संभावना बढ़ जाती है जिन लोगों के ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हैं। या ऐसा कह सकते हैं हम कि पॉल्यूशन को भी अब WHO ने और वर्ल्ड की सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अब हार्ट से संबंधित एक रिस्क फैक्टर के रूप में ऐड कर दिया है। इसीलिए हम देखते हैं कि इन दिनों में भी जब स्मॉग की मात्रा बढ़ती है और जब लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है तो हमारे अस्पतालों में हार्ट अटैक से संबंधित मरीजों की संख्या भी समय के साथ बढ़ती चली जाती है। तो जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उन्हें भी अपना अत्यातन हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी ने किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ होती है, सांस लेने में पांव में सूजन होती है या जो है छाती में किसी प्रकार का भारीपन आता है तो उन्हें तुरंत अपने किसी फिजिशियन को, कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए ताकि हम इस समय में अपने जो अपेक्षाकृत जो हम कहते हैं कि हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है उससे हम अपने आप को बचा सकें। यानी अपने बॉडी एक्टिविटीज़ पर आपको ख्याल रखना होगा, अगर किसी भी तरह के इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो वक्त रहते इस पर काम करना होगा, अपने एक्सपर्ट से, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। डॉक्टर नीरज, जैसा जिक्र डॉक्टर राजू भी यहाँ पर कर रहे थे कि घर में भी हैं तो आप सुरक्षित नहीं हैं और एयर प्योरीफायर, लेकिन एयर प्योरीफायर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग अभी भी इसके बारे में नहीं जानते या फिर इसे खरीद पाने में सक्षम नहीं है, वो लोग आखिर क्या करें घर पर? देखिए, एयर प्यूरीफायर एक तरीका हो सकता है घर के जो एयर को प्यूरीफाई करने के लिए, इन डेंजरस पॉल्यूटेंट्स को हटाने के लिए। लेकिन जिनके घर में एयर प्यूरीफायर है उन्होंने भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही रूम का दरवाजा वो खोलते हैं वापस से ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो सिर्फ एयर प्यूरीफायर घर में है उससे आप सुरक्षित है ऐसा सोचना गलत होगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी अगर बाहर के माहौल से अगर इसको अगर आपका रूम का कनेक्शन हो गया उसके बाद तो वापस से बैक टू आप स्क्वायर वन हो सकते हैं। बट डेफिनेटली थोड़ा सा बेहतर जो नॉर्मल सिचुएशन से बेहतर, स्पेशली रात को जब आप सो रहे हैं, स्पेशली अगर जैसे किसी में को कोमॉर्बिडिटी है उसके रूम में है तो वो डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। उसके अलावा जो मैं कहूँगा कि एक इंडोर पॉल्यूशन जो हमारे किचन वगैरह से जो एग्जॉस्ट फैन अगर जिसके घर में नहीं होता है, ऐसे में जो सिचुएशन है वो और फर्दर मल्टीप्लाई हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो किचन हैं उसमें एग्जॉस्ट की फैसिलिटी अच्छे से हो और इस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बेसिकली अगर ज़्यादा बाहर पॉल्यूशन है तो खिड़की दरवाजे बंद रखना एक तरीका हो सकता है। उसके अलावा एग्जॉस्ट फैन का यूज़ करके आप जो है उसको भी आप अपने इनर जो सिचुएशन है उसको क्लीन कर सकते हैं। तो इसका कोई बहुत ही डेफिनेटिव सॉल्यूशन नहीं है एक्सेप्ट कि हम किसी तरह एयर पॉल्यूशन जो बाहर है उसको कंट्रोल करने में हम अपना कंट्रीब्यूशन करें, चाहे वो व्हीकल ड्राइव करते वक्त हम इंश्योर करें कि हमारे पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का जो चेक होता है वो बार बार करें। रेड लाइट पे जब भी हम अपनी गाड़ी को रोकते हैं तो अगर ज़्यादा देर का ट्रैफिक लाइट रेड है तो आप इंजन को बंद रखें। अगर आपके घर के आसपास आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कूड़े के ढेर में लोग आग लगा देते हैं, ऐसा कुछ भी सिचुएशन आप नोटिस करें तो जो भी कंसर्न एजेंसीज है उनको इन्फॉर्म करें। तो इन सब सॉल्यूशन के थ्रू ही हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और कोई खास तरीका नहीं है। बिल्कुल, यानी देखिए शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। प्रदूषण अगर आपके आसपास आपके आपके परिवार को आपके उस एरिया को अगर प्रदूषित कर रहा है तो इसमें आपकी भी भागीदारी है और साथ ही अगर इससे छुटकारा चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी हिस्सेदारी निभानी होगी। ठीक है डॉक्टर राजू, मैं एक और सवाल इससे जुड़ा करना चाहूँगी कि हम तमाम तरह की चीज़ों का ख्याल रखने की बात कर रहे हैं लेकिन क्या खान पान को लेकर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है इस दौरान? जी हाँ, वैसे भी हम लोग तो कहते ही हैं कि हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैटी डाइट इस समय में लेनी चाहिए, स्पेशली मील्स को जिन लोगों को अंडरलाइन डिजीज है जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम है या लंग्स की प्रॉब्लम है, उसके स्ट्रेस को कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि स्मॉल मील्स मल्टीपल टाइम्स 5 या 6 बार उसको छोटा छोटा अगर हम खाएं तो ये एक फायदे का हम लोगों के लिए फायदा रहता है इसके कारण से। तो स्मॉल मील्स मल्टीपल टाइम, हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैटी डाइट एक एडवाइजेबल क्या नाम से तरीका है खान पान का। जी, यानी कि अपने खान पान में आपको इन तमाम बातों का ख्याल रखना होगा जिसका राजू व्यास, डॉक्टर राजू व्यास यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। डॉक्टर नीरज, एक बार फिर से बच्चों का मैं जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि बच्चों को घर पर बैठाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है और ये हमने कोरोना संक्रमण के टाइम पर देखा भी और बहुत सारे लोगों ने इसे झेला भी है। तो ऐसे ही जब बाहर इतनी जहरीली हवा है कि सांस लेना दूभर है और आप जो सांस ले रहे हैं वो किस तरह से आपको कहाँ तक जाकर नुकसान पहुंचाएगा कह नहीं सकते, कैसे इसे मैनेज करें इस सिचुएशन को?
देखिए बच्चे मैं कहूंगा कि एक उनका जो माइंड होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, जिस कलर से आप रंगेंगे वैसे ही कलर में वो रंगेंगे। तो जो भी ये सॉल्यूशंस हैं अगर उनको हम एक्सप्लेन करें कि अगर हम ऐसा कुछ कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, तो वो डेफिनेटली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा 6 साल का है तो वो हर दिन मुझे याद दिलाता है कि जब भी ट्रैफिक लाइट पे पापा अगर रेड लाइट हो आप अपने गाड़ी को जरूर बंद कर दें। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं समझ सकते, हमें उन्हें समझाने की ज़रूरत है। वो जनरेशन हमसे ज़्यादा अवेयर है और ये COVID-19 पे भी जो उन्होंने सीखा कि बचाव ही किसी चीज़ का जो सबसे सही तरीका है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और ऐसी भावना अगर पेरेंट्स और स्कूल में अगर हम इन बच्चों के अंदर लाते रहें तो डेफिनेटली हम चेंज ला सकते हैं। और उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, बच्चों को संभालना डेफिनेटली मुश्किल है बट समझाने पे वो समझने में हम बड़े लोगों से वो बेहतर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर कि बच्चों के लिए आप जैसा एग्जांपल सेट करेंगे वो उस पर चलेंगे और उन्हें समझाएंगे तो ज़रूर समझने की कोशिश आपके बच्चे भी करेंगे। कहते हैं ना कि बच्चा घर में ही सीखता है, तो इन तमाम बातों को अगर हम प्रैक्टिस घर में करेंगे तो बच्चों को भी का पर भी इनका असर पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर राजू व्यास, खास तरह की हम आप यहाँ कह रहे थे कि हम कोई वर्कआउट इस दौरान बाहर जाकर करें इससे हमें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इससे, क्या कुछ खास तरह की एक्सरसाइज होती हैं इस दौरान जिन्हें हम घर बैठे कर सकते हैं और वो हेल्पफुल हो इस दौरान? जो योगिक क्रियाएं हैं स्पेशली जो प्राणायाम कह दें या लंग की जो एक्सरसाइजेस हम कई दिनों से इस बारे में बात करते आ रहे हैं, स्पेशली कोविड के समय में भी हम लोगों ने बहुत एम्फेसिस किया कि जो है लंग्स की एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट जो होती है। एक मेडिकल डिवाइस बहुत छोटी सी भी आती है जिसको हम स्पायरोमीटर भी कहते हैं, स्पायरोमीटरी एक्सरसाइज भी जो है वो हम लोगों को एडवाइस करते हैं, इसके कारण से भी आप अपने लंग्स को काफी सुदृढ़ बना सकते हैं या उसकी हिफाजत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो लंग एक्सरसाइज, स्टीम इनहेलेशन, ये दो कॉमन चीजें हमारे घर में। और जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि जिन लोगों को ऑलरेडी लंग्स की प्रॉब्लम है उन्हें अपने नेबुलाइजेशन पे अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में कंटिन्यू करना चाहिए, स्पेशली जब हमारा एनवायरमेंट इस तरीके का है। ठीक है सर, यानी कि आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं वो घर पर बैठकर उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। एक बार फिर से डॉक्टर नीरज आपके पास। डॉक्टर नीरज, हमने देखा कि जो इस बार प्रदूषण है उसने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है और अभी अगले 4 से 5 दिन और लोगों को परेशान कर सकता है। किस तरीके से इसे समझे कि हमारी हमारे शरीर की कौन सी ऐसी एक्टिविटी हमें बताती है कि अभी हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई तरह के वायरल ऑलरेडी इस वक्त हैं, लोगों को बुखार, सांस में तकलीफ, सर्दी जुकाम की दिक्कतों से वो पहले भी जूझ रहे हैं लेकिन पॉल्यूशन उसे और ज़्यादा खतरनाक कर रहा है, इसे कैसे समझे हम? देखिए जो भी अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज हर साल एक तरह से मैं कहूंगा कि अपने प्लेनेट के प्रति उनका व्यवहार जो है, हालांकि अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हैं हर सब्सिक्वेंट ईयर एक हम नया रिकॉर्ड गलत तरीके में तोड़ रहे हैं और वो भी इस बार हम देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में सबसे खराब एयर क्वालिटी अभी है। तो जो भी कोमॉर्बिडिटीज वाले पेशेंट्स हैं अगर उनके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, अगर आपको आपके चेस्ट में वीजिंग जैसी फीलिंग आनी शुरू हो गई, चेस्ट टाइटनेस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, खांसी जो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, अगर कई लोगों को हाइपरसेंसिटिविटी के चलते फीवर जैसे आना शुरू हो सकता है या कोई इस पॉल्यूशन के चलते इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण इन्फेक्शन हो गया उसके चलते फीवर आना शुरू हो गया, अगर आपके जैसे सिर्फ कार्डियक और रेस्पिरेटरी नहीं एंडोक्राइन सिस्टम और कई सिस्टम जो है जो एक दूसरे से एक तरह से इंटरलिंक्ड है, वो सारे चीज़ें अगर आपके डिरेंज होने शुरू हो गए तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई चीज़ें ठीक नहीं है। और जिस भी डॉक्टर के आप संपर्क में हैं उससे आप राय लें, इसको इग्नोर ना करें क्योंकि एक बार चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वापस से कंट्रोल लाना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो आपको समय रहते ही डॉक्टरी सलाह लेने की ज़रूरत है। जाहिर तौर पर देखिए लापरवाहियां हम करते हैं, उन तमाम बातों को इग्नोर करते हैं जो एक्सपर्ट्स के द्वारा लगातार बताई जाती रही हैं और उसके बाद इस तरह की स्थिति अगर आती है तो खास ख्याल आप सभी को रखना होगा। डॉक्टर नीरज और डॉक्टर राजू व्यास दोनों ने बहुत खास जानकारियां दी, हमारे सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ एबीपी न्यूज पर जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।